नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार और मैं हूं आपके साथ अलका। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम हर दिन चर्चा करते हैं एक नए विषयों पर और आज के युवा जिससे अपने जीवन में उड़ान भर सकते हैं। आज के समय में कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि लोगों को समझ नहीं आता कि वो किस विषय को अपना करियर चुने। काफ़ी सारे विषय सामने आ जाते हैं और काफ़ी सारे कंपटीशन भी सामने आते हैं, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स। ऐसे में कॉमर्स ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। तो आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे हम अपने गेस्ट से। आज हमारे साथ खास मेहमान जो हैं उनका नाम है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कॉमर्स से मास्टर्स और डॉक्टरेट होने के साथ चार्टर्ड फेलो मेंबर भी रहे हैं। ये कई मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कॉमर्स के अच्छे जानकार हैं और जिन्होंने कॉमर्स के क्षेत्र में कई बच्चों का भविष्य निखारा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूरदर्शन और पूरे टीम को बहुत ही आभार कि आपने मुझे इस ये मौका दिया है। साथ ही हमारे साथ दो प्रतिभागी भी जुड़े हैं, जया सिंह जो कि बीकॉम के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ विशाल वैभव जो कि कॉमर्स के ही स्टूडेंट हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, शुक्रिया दूरदर्शन। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और बिना वक्त गवाए हम सबसे पहले सर से जानेंगे, जिस तरीके से कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसे में सर कॉमर्स का क्या महत्व है? देखिए, आमतौर पर लोग ये सोचते हैं और ये एक मानसिकता है हमारे बिहार में पेरेंट्स और स्टूडेंट का, कि जो स्टूडेंट साइंस लेते हैं वो जीनियस ब्रेन के होते हैं और जो कॉमर्स ऑप्ट करते हैं वो एवरेज होते हैं। लेकिन ये मानसिकता हमारे बिहार में ही है। यदि आप विकसित शहर की बातें करेंगे तो मुंबई, पुणे, कोलकाता, ये सब वो शहर हैं जहाँ पर कॉमर्स का काफ़ी क्रेज होता है। और यदि मैं साइंस और कॉमर्स के बीच में थोड़ा अंतर आपको बताऊं, तो साइंस और कॉमर्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। एक तरफ साइंस है और एक तरफ कॉमर्स है। एक को आप बड़ा भाई कह सकते हैं, एक को छोटा भाई कह सकते हैं। बिजनेसमैन साइंस से कहते हैं कि आप इन्वेंशन कीजिए, और बिजनेसमैन कॉमर्स से कहते हैं कि आप उसे कमर्शलाइज कीजिए। तो साइंस और कॉमर्स दोनों एक ही परिपाटी पर हैं, दोनों ही एक दूसरे बिना बिल्कुल अधूरे हैं जी। सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि साइंस और आर्ट्स दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो ऐसे में सर जो स्टूडेंट कॉमर्स से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनका करियर विकल्प क्या कुछ है? कॉमर्स में बहुत ही बड़ा स्कोप है। यदि फिर से एक बार साइंस से कंपैरिजन करें जी, तो कॉमर्स में मल्टीपल करियर ऑप्शंस आते हैं, जैसे CA, CS, CMA, अब तो IPM के थ्रू स्टूडेंट BBA प्लस MBA कर सकते हैं और CLAT में भी काफ़ी अच्छा करियर होता है स्टूडेंट्स का। तो अब स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो 12th के बाद करियर को शेप दें या फिर ग्रेजुएशन के बाद। यदि स्टूडेंट 12th के बाद चाहते हैं कि अपना करियर बनाएं, तो उनके पास एक ऑप्शन CA है, और CA तो कॉमर्स का सबसे अट्रैक्टिव लोकप्रिय कोर्स में से एक माना गया है। दूसरा CS है और CMA है। यदि स्टूडेंट का इंटरेस्ट, उसका रुचि यदि अकाउंटिंग पोर्शन में है तो वो CA और CMA जैसे कोर्स करें जी। और यदि उन्हें लॉ में इंटरेस्ट है तो फिर CS और CLAT जैसे कोर्स में वो अपनी रुचि दिखा सकते हैं। यदि स्टूडेंट चाहें तो आफ्टर ग्रेजुएशन बैंक PO की तैयारी कर सकते हैं जी। या फिर जो देश का प्रतिष्ठित संस्थान है MBA कॉलेज है IIM, वहाँ से भी वो आफ्टर ग्रेजुएशन CAT के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके MBA कर सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं कॉमर्स में। सर, जिस प्रकार से आपने कई सारे करियर ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें आपने एक बताया CA के बारे में, चार्टर अकाउंटेंट है, तो अगर बच्चे इसकी तैयारी करना चाहें तो वो किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करेंगे सर? एक बात तो अलका जी मैं आपको बताऊँ जी, 1949 से लेकर के अब तक हमारे देश में
सिर्फ 3.5 लाख ही सीए हैं और हमारे देश की आबादी है लगभग 130 करोड़ जी। तो इस देश में सीए का बड़ा स्कोप है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सीए करने के लिए स्टूडेंट या तो 12th के बाद इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, यदि 12th के बाद आते हैं तो उन्हें एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है सीए फाउंडेशन का जी। और एक बहुत अच्छी बात क्या है कि सीए एक ऐसा कोर्स है जो सबों को अपनी बाहों में लेता है जी। मतलब स्टूडेंट साइंस के हो, आर्ट्स के हो, वो भी सीए कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो सीए आप कर सकते हैं दो तरीके से, एक 12th के बाद आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम पास करना होगा और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, मई और नवंबर में। लेकिन एक खुशखबरी है, 2023 से लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम साल में 3 बार होगा, तो स्टूडेंट को और मौके मिलेंगे इस एग्ज़ाम को देने का। या दूसरा ऑप्शन है आफ्टर ग्रेजुएशन, यदि स्टूडेंट बीकॉम ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर बीएससी या बीए भी क्यों ना हो, वो सीधा आ सकते हैं सीए के दूसरे स्टेज में जिसका नाम है आईपीसीसी। सीए एक ऐसा कोर्स है जिसको पास करने के लिए स्टूडेंट बहुत जीनियस हो, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मेरा ये 22 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस कहता है कि स्टूडेंट जीनियस हो वो जरूरी नहीं है, स्टूडेंट कितने लेबोरियस हैं जी। जो भी स्टूडेंट 5 साल और हर दिन अपने घर पर 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं, वो सीए कोर्स को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप अभी उड़ान देख रहे हैं और अब तक आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे जो कॉमर्स से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो अगर चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो वो कैसे इसकी तैयारी करें। अगला सवाल मेरा फिर सर से रहेगा कि सर, जिस तरीके से बच्चे आजकल कॉमर्स भी चुन रहे हैं, तो कॉमर्स की पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं वो अगर आगे बैंकिंग में इंटरेस्टेड हों और बैंक की तैयारी करें और बैंक्स के एग्ज़ाम देने में इच्छुक हों, तो वो अपनी पढ़ाई किस प्रकार से करेंगे। अलका जी, मैं बात को थोड़ा साफ करना चाहूँगा। बैंक के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS पूछता है जी। तो बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS होगा, और चाहे स्टूडेंट साइंस का हो, स्टूडेंट आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, ये सबों के लिए एक नया चीज़ है। हाँ, यदि स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और वो बैंक के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं और बैंकर बन जाते हैं जी। तो काम करते समय थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि बैंक में डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस शीट, जर्नल, लेजर, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं और ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भली भांति पता होता है। तो एक बात मैं फिर से दोहराता हूँ, बैंक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS पूछता है जी। और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए और साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, सब के लिए बात बराबर ही है, सबों को ये पढ़ना पड़ता है जी। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताई कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो बैंक में, अगर बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो वो किस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हैं। वहीं हमारे साथ प्रतिभागी भी जुड़ी हुई हैं, तो हम सबसे पहले जया से जानेंगे। जया, आप अभी मास्टर्स कर रही हैं कॉमर्स से, तो आपने ये सब्जेक्ट किस प्रकार चुना? जी, जैसा कि सर ने कहा कि कॉमर्स में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जी, होते हैं, और इसको सोचते हुए मैंने भी ये सोचा कि मैं कॉमर्स इन करियर अपना चूज़ करती हूँ और उसके बाद फिर बैंकिंग के प्रिपरेशन में लग के, और अगर कॉमर्स में हमारा बैकग्राउंड रह रहा है तो बैंक बहुत इजीली उसके प्रिपरेशन के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने अपना करियर कॉमर्स में देखा। अजय, आपने जैसा बताया कि बैंकिंग की तैयारी के लिए आप इच्छुक हैं, तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आप बैंकिंग की तैयारी करें? जी, कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे मन में बचपन से ही थी, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो बैंक में जॉब करते हैं, तो एक उनका लाइफस्टाइल हमने देखा, उनका एक करियर देखा, उसमें बहुत बहुत अच्छा लगा हमें, हमें भी इच्छा हुई कि हम भी बैंक में जाएंगे, जॉब करेंगे, एक सिक्योरिटी हमें वहाँ फील हुई, तो हमने भी सोचा कि हमें भी इन करियर अपना बैंक ही चुनना है, चूज़ करना है इसी वजह से जी। तो वही हमारे दूसरी तरफ हमारे प्रतिभागी विशाल वैभव भी जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे विशाल आपसे कि आप कॉमर्स से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या कुछ सोचा है? जैसा कि सर ने कहा जी, आप कॉमर्स से या कॉमर्स फील्ड में आप इनरोल होते हैं तो आपको एक सीए काफ़ी एक्साइटिंग स्ट्रीम मिलता है, और जैसा कि मैं जब जूनियर क्लासेस में था 9th और 10th, तो मुझे फाइनेंशियल और फाइनेंशियल टर्म्स काफ़ी एक्साइट करता था, तो इसके कारण मैंने उसी समय सोचा कि मुझे अब सीए करना है, बिकॉज़ ये एक ऐसा सब कोर्स है जो ये सब चीज़ को समअप करेगा,
और सीए देखा जाए तो पूरे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, और इससे कोई भी कंपनी या फिर गवर्नमेंट का बजट तैयार होता है या फिर टैक्स पॉलिसीज मेंटेन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी एक्साइट करता है। तो मैंने सोचा कि अब तो मैं यहाँ इनरोल हो चुका हूँ कॉमर्स में, तो फॉर श्योर मैं सीए ही करूँगा। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई अपने करियर को लेकर कि आप सीए बनना चाहते हैं। वही हम बढ़ेंगे सुनील सर की तरफ और सर से जानेंगे कि सर आज के युवा जो हैं वो एक बड़ी पूंजी है देश के लिए। तो ऐसे में जो युवा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई साइंस या आर्ट से की हो और आगे चल उनका रुझान जो है बैंकिंग सेक्टर में जाए या फाइनेंस सेक्टर में जाए, तो फिर वो वैसे युवा किस प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे सर? कॉमर्स की यही खासियत है, जी इसके जो कोर्स करिकुलम है वो क्लास 11 से ही कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसे पढ़ कर के स्टूडेंट या तो कहीं जॉब कर सकते हैं, या फिर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है और अच्छा ऑप्शन है, और वो है एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को जी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। तो यदि स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्ट्रेटजी, अकाउंटेंसी, लॉ ऐसे विषयों पर अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उसे प्रॉपरली ठीक से पढ़ते हैं, तो बहुत ही आसानी से स्टूडेंट चाहे तो जॉब करें या फिर अपना खुद का रोजगार शुरू करें या फिर किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा, जी खुद के स्टार्टअप से पहले अच्छा तो ये होगा कि आप अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं, किसी अच्छे बड़े कंपनी में काम करें, कुछ साल का अनुभव लें, और उसके बाद फिर आप इस स्टार्टअप को शुरू करें, क्योंकि बिजनेस में कहीं ना कहीं रिस्क एलिमेंट्स हमेशा बना रहता है। सर आपने जो बताया कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई पूरी करे उसके बाद से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, सर हम वैसे बच्चे के बारे में जानना चाहेंगे जिन बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। स्टार्टिंग में उन्होंने 10th के बाद से साइंस या आर्ट सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली या फिर ग्रेजुएशन भी उन्होंने साइंस या आर्ट से कर ली और अचानक वो इच्छुक हुए हों बैंकिंग सेक्टर को लेकर, तो वैसे बच्चे किस प्रकार से उसके बाद से अपनी पढ़ाई करेंगे? अलका जी, एग्जाम्पल मैं खुद पे ही देता हूँ आपको। जी मेरा इंटरमीडिएट में साइंस था और मैं मैथ्स का स्टूडेंट था, जी और मुझे लगा कि मैं IIT क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा, जी और मैंने तुरंत स्विच किया और मैं BCom में आ गया, और फिर BCom के साथ साथ मैंने MCom किया, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल डिग्रीज को मैंने हासिल किया। तो ये बिल्कुल ही मिथ है, भ्रम है कि साइंस के स्टूडेंट कॉमर्स में अच्छा नहीं कर सकते। यदि मैं आपको एक डेटा बताऊं, जी तो जो चार्टर अकाउंटेंट्स का जो संख्या इस देश में है, जी देखा गया है कि कॉमर्स के कंपैरिजन में साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो साइंस हो या आर्ट्स, ये दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कॉमर्स में बिल्कुल आ सकते हैं, सफलता उनके चरणों को चूमेगा, आप ऐसा कह सकती हैं। सर बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताई हमारे दर्शकों को और जिस तरीके से अभी आप हमारे दर्शकों को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि वो कॉमर्स में अपना करियर कैसे चुन सकते हैं, तो सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैं शुरुआती समय में काफ़ी सामान्य स्टूडेंट था, जी मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था एज अ स्टूडेंट, 10th और इंटरमीडिएट साइंस से करके जैसे तैसे पास किया, जी फिर BCom के लिए मैं अपने गांव, मेरा घर है आलमनगर जो कि जिला मधेपुरा में पड़ता है, मैं वहां से पटना आया, जी और फिर पटना से मैंने BCom और MCom किया, फिर समय के साथ साथ मैंने IIM से कोर्स भी किया मैनेजमेंट का, और चार्टर फेलो भी बना, और मुझे अभी हाल में ही ईस्ट अफ्रीका के यूनिवर्सिटी से प्रोफेसरशिप का भी ऑनर मिला हुआ है। सर जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपने अपनी शिक्षा दीक्षा जिस प्रकार प्राप्त की, तो सर आप अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, तो आपकी रुचि शिक्षा विभाग में और बच्चों को पढ़ाने में कैसी आई? क्योंकि जनरली स्टूडेंट जो हैं अगर कॉमर्स से अपनी पढ़ाई करते हैं या किसी भी विषय से, तो होता यूं है कि वो या तो किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर किसी अच्छे कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो आपने ये फील्ड कैसे चुना? मैं बहुत ही ईमानदारी से इसका जवाब दूंगा। जी टीचर बनना मेरा कोई चॉइस नहीं था, जी और ये सिर्फ एक चांस चांस इसलिए जब मैं पटना में आकर के BCom MCom कर रहा था और साथ में कुछ और भी कोर्स कर रहा था जैसे CA और CMA,
तो एक स्टूडेंट जो एमबीए कर रहे थे उस वक्त में मेरे पास आए जी, और मुझसे वो एक क्वेश्चन पूछे अकाउंटेंसी का, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से उस क्वेश्चन को एक ट्रिक से सॉल्व कर दिया। ये स्टूडेंट पटना से एमबीए कर रहे थे, एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट पटना में है जी। ये स्टूडेंट अपने सारे फ्रेंड्स को जा कर के बताएं कि एक सुनील हैं जो कि अकाउंट्स को काफ़ी ट्रिक से समझाते हैं। अगले ही दिन उस कॉलेज के सारे बच्चे मेरे घर पर आ गए, और मैं रहता था रेंटेड हाउस में, और लैंडलॉर्ड हमें अलाउ करते नहीं, तो मैंने एक छोटा सा जगह लिया बोरिंग केनाल रोड में, और वहाँ मैंने इन बच्चों के लिए कोचिंग स्टार्ट किया। तो कल तक जो मैं पूरे पटना के लिए सुनील भैया हुआ करता था, अगले दिन से मैं सुनील सर हो गया। तो टीचिंग में आना ये मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, स्टडीज़ मेरा ये चॉइस नहीं था, ये सिर्फ एक चांस था। लेकिन मैं आज काफ़ी खुश हूँ, 22 सालों से मैं पटना में हज़ारों स्टूडेंट्स को कॉमर्स पढ़ा चुका हूँ। हमारे साथ दो प्रतिभागी भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे प्रतिभागी के मन में अगर कोई सवाल हो तो वो सुनील सर से ये बेझिझक पूछ सकते हैं। जय, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप सुनील सर से पूछ सकती हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमारा ग्रेजुएशन में कॉमर्स है, तो अगर इन फ्यूचर हम UPSC या BPSC ज्वाइन करना चाहें तो क्या हम कॉमर्स को एज अ बैकग्राउंड रख के उसको उस फील्ड में जा सकते हैं? जया जी, मैं आपको सुन रहा था, आपने बताया बैंक में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है जी। सही है, लेकिन UPSC आप जो सोच रही हैं वो सही में एक अच्छा बड़ा एग्जामिनेशन है, प्रतिष्ठा है, पावर है, और आप जो कुछ भी पढ़ती हैं क्लास 11 से लेकर के PG तक कॉमर्स में जी। वही UPSC का ऑप्शनल पेपर का कंटेंट है। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप BCOM भी कर रही हैं, आप आगे PG भी करेंगे, तो आपको UPSC कॉमर्स ऑप्ट करके प्रिपरेशन करना चाहिए। इसके एक फ़ायदे और भी हैं, यदि आप कल UGC नेट कॉमर्स से प्लान करती हैं तो UGC नेट कॉमर्स के जो सिलेबस हैं उसके जो कंटेंट हैं वो UPSC के ऑप्शनल पेपर कॉमर्स से बिल्कुल मैच करता है। तो मेरा सलाह ये होगा कि आप चाहें तो UPSC या BPSC कॉमर्स ऑप्ट करके भी आगे सोच सकती हैं जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, अब तक आपने देखा हमारे कार्यक्रम उड़ान में कि किस तरीके से आप कॉमर्स में अपना आगे भविष्य चुन सकते हैं, और हमारी जो प्रतिभागी हैं जया, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा सवाल किया, और उस सवाल का जवाब जो सुनील सर ने दिया कि आप कॉमर्स करते हुए भी UPSC कर सकते हैं। तो वही हमारे साथ विशाल वैभव जी भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि विशाल वैभव, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सुनील सर से पूछ सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने सोचा है कि मुझे CA करना है, पर मुझे काफ़ी सीनियर्स मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स बोलते हैं कि एक CA में भी एक कोर्स होता है, तो सर आप बता सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बेटर कौन सा है? वैभव, UPSC और BPSC में क्या अंतर हो सकता है? आप UPSC करते हैं तो DM SP बनते हैं और करते हैं BPSC तो आप SDO BDO बनते हैं। कुछ यही अंतर मैं करना चाहूँगा CA और CMA के बीच में। CA को आप बिल्कुल मानिए DM की तरह, और जो CMA है आप उसे मानिए BDO और SDO की तरह, मतलब ज़्यादा पावरफुल कोर्स CA है। रहा बात CMA क्या है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उन्हें रिक्वायर्ड होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का, क्योंकि इनका काम होता है जो प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उसके कॉस्ट को फाइंड करना। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो बेसिक वर्क होता है, जो प्रोडक्ट उस कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके कॉस्ट को फाइंड करना या फिर एस्टीमेट करना। तो जो प्रोडक्ट फ्यूचर में बनेगा उसका कॉस्ट क्या हो सकता है, ये भी एस्टीमेशन करता है कॉस्ट अकाउंटेंट, और जो प्रोडक्ट बन करके तैयार है उसका कॉस्ट क्या, ये भी फाइंड करता है कॉस्ट अकाउंटेंट। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, CA का एरिया काफ़ी वाइड होता है, ये अकाउंटेंसी, फिनेंशियल प्लानिंग, फिनेंशियल एडवाइस, टैक्स प्लानिंग का काम करते हैं, इनके पास सारे ऑडिट्स करने का राइट्स होता है, लेकिन ऑडिट का राइट्स कॉस्ट अकाउंटेंट के पास नहीं होता। दूसरी बात यह है, CA के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है उनका सिग्नेचर। एक कागज पर CA का साइन हो उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो CA और CMA में बड़ा कोर्स, अच्छा कोर्स, अधिक रिस्पेक्टेड, जिसका ज़्यादा ही सोशल वैल्यू है, सोशल डिग्निटी है, वो है CA। और मेरा कहना है वैभव,
यदि स्टूडेंट CMS हो सकते हैं तो वह स्टूडेंट CA भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो CA हो जाएगा। और मैंने पहले ही कहा CA करने के लिए आप कितने जीनियस हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने लेबोरियस हैं। थैंक यू सर। सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि CA करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को अपना करियर बनाने के लिए उसमें कड़ी मेहनत करनी होती है। सर मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि आज के प्रोफेशनल जमाने में ऐसे में ट्रेडिशन जॉब के अलावा न्यू एज जॉब्स भी आ रहे हैं जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर या फाइनेंस मैनेजर, तो कॉमर्स के स्टूडेंट इसकी तैयारी किस प्रकार करेंगे सर? देखिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, हमारे देश में भी कोर्सेज हैं जी, और इंग्लैंड अमेरिका में भी ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं जिसको करके आप बन सकते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना हो या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना हो आप CFM कर सकते हैं, आप CA जैसे कोर्स कर सकते हैं, और आप चाहें तो MBA फाइनेंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, कोर्सेज के ऑप्शंस हैं जिसको करने के बाद आप बहुत अलग अलग एरियाज़ में अपने काम को पूरा कर सकते हैं। सर जिस तरीके से आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं उसके बाद से आपने टीचिंग को अपना जॉब एज अ करियर चुना, तो ऐसे में जो भी बच्चे इस प्रकार के हैं और उनके मन में आ रहा है कि वो भी टीचिंग करे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है टीचिंग में जी। टीचिंग में स्टूडेंट दो तरीके जा सकते हैं जी। एक BEd करके, यदि स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हों तो वो BEd कोर्स करें, CTET, STET एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्वालिफाई करें, और गवर्नमेंट स्कूल्स में या कोई स्कूल हो प्राइवेट में वहाँ पर वो टीचर के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं जी। दूसरा तरीका है कि यदि वो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हों तो PG के बाद वो UGC NET के एग्ज़ाम को पास करें और फिर वो किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर च्वाइस है, यहाँ पर इंटरेस्ट है कि टीचिंग किस तरह करना है, स्कूल में जाना है तो BEd करके जाएँ, और पढ़ाना है कॉलेज के स्टूडेंट्स को तो फिर UGC NET और हो सके तो PhD कोर्स भी कर ले जी। तो बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताई हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से कॉमर्स में कई सारे करियर ऑप्शंस हैं और कई तरह की चीज़ें हैं जिसे कि लोग अगर चाहें तो एज ए करियर देख सकते हैं और अच्छे से, लेकिन उनके लिए मेहनत करनी होगी। हम चाहेंगे कि सर जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ संदेश दें। मैंने पहले ही कहा कॉमर्स और साइंस एक सिक्के के दो पहलू हैं। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन साइंस से कहता है कि आप इन्वेंट कीजिए, और कॉमर्स से कहता है उसे कमर्शलाइज कीजिए। तो कुछ लोग कहते हैं साइंस बिल्कुल अलग चीज़ है, कॉमर्स अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है। दोनों को इंडस्ट्री में ही काम करना है, इंजीनियर को भी काम करना है इंडस्ट्री में, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं काम करना इंडस्ट्री में। तो बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि कॉमर्स का स्कोप नहीं, कॉमर्स का बहुत स्कोप है, और आने वाले वक्त में कॉमर्स में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज और भी आने वाले हैं। जैसे मैं आपको बताऊं IPMAT के बारे में जी। एक वक्त ऐसा था जब IIM में जाने के लिए स्टूडेंट को BCom तक का वेट करना पड़ता था, BCom या BBA करते थे, फिर वो CAT का एग्ज़ाम देते थे और फिर वो IIMs में जाते थे। लेकिन अब पिछले 5 सालों से कुछ ऐसे कोर्स भी आ गए हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे करके, वो कोर्स है IPMAT के थ्रू, आप एग्ज़ाम दे करके सीधा IIM में प्रवेश पा सकते हैं। तो कॉमर्स में बहुत स्कोप है, आप बिल्कुल कॉमर्स को चुन सकते हैं। तो दर्शकों अभी आप उड़ान देख रहे थे और वक्त कम होने के कारण हम सर से अलविदा लेना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे शो में मौजूद हुए, हमारे कार्यक्रम में आए। दर्शकों आपने अभी तक देखा कि किस प्रकार से कॉमर्स में आप अपना भविष्य निखार सकते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहे DD बिहार के साथ। नमस्कार।